क्वेश्चन जो हमारा CSIR NAT जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, साथ ही हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और थोड़ी नॉलेज करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल की होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो किस वेक्टर स्पेस पे है, 2x2 के रियल मैट्रिसेस पे, 2x2 के रियल मैट्रिसेस पे ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। किस तरह से है, टी पे यदि कोई हम एक्स मैट्रिक्स ऑपरेट करेंगे तो वो ए से मल्टीप्लाई होके आएगा और ए हमें दिया है। सबसे पहले वेक्टर स्पेस की आपको नॉलेज हो तो m2x, यदि मैं m2x की बात करूं, m2r जो हमारा वेक्टर स्पेस है, इसमें इस पे चार, इसकी डायमेंशन क्या होती है, चार, बेसिस में 4 एलिमेंट है। तो इसका जो बेसिस होता है, बेसिस में कौन से चार एलिमेंट होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1, ये चार एलिमेंट होते हैं इसके बेसिस में। अब हम जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बात करते हैं क्या करते हैं, ये बेसिस के एलिमेंट्स के लिए ही निकालते हैं, फिर वहाँ से हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स मिलती है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें लिया है, इसे हम x1, इसे x2, इसे x3, इसे x4 बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए टी ऑफ x1 बराबर ए ऑफ x1, टी ऑफ x1 बराबर ए ऑफ x1। ए क्या है, 2 0 0 1 एंड 1, x1 क्या है, x1 हो गया ये, तो हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 2 0 0 0, वैल्यू आ गई ये। इसी तरह जब मैं टी ऑफ एक्स टू करूंगी या TX2 करूंगी तो ये होगा AX2 बराबर 2 0 0 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 0, तो ये क्या हो गया, पहला 0 2 0 0, ये आई। इसके साथ ही यदि हम इसी तरह टी ऑफ x3 निकालते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह मिल जाएगा मैट्रिक्स 0 0 1 0, और TX4 क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 0 0 0 1। करके देख सकते हैं आप आराम से, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। जब हम इनके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी टी, वो क्या होगी, इन्हीं को हम रो वाइज या कॉलम वाइज लिख देंगे, इन्हीं को, जो ये मैट्रिक्स है इनकी सभी एंट्रीज को ऐसे रो वाइज लिख देंगे, 2 0 0 0, 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0, 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसकी टी के लिए मैट्रिक्स मिली है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो इस बेसिस को इसी बेसिस पे ले जा रही है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, जब यहाँ पे वो देखेंगे, वो ये अप्लाई करने की सोचेंगे नहीं, जब हमें ए मैट्रिक्स दिया है, बहुत लोग सोचेंगे इसका करेक्टरिस्टिक ही पूछा है और करेक्टरिस्टिक ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए इज ऑप्शन 1, पर लेकिन हमें एक्चुअल में जब इसकी डायमेंशन 4 है, इसकी डायमेंशन 4 है, दोनों की डायमेंशन 4 एंड 4 है ना, तो हमें 4x4 का ही तो मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स हमें मिलना भी 4x4 का चाहिए। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि 2x2 का मिलेगा, मैट्रिक्स 2x2 का है, उसके पास एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4, तो ये 4x4 में बात हो गई। फिर इसकी हम जब बात करेंगे, इसमें देखिए इसका करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायगनल मैट्रिक्स है, और इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, सेम x-1 का स्क्वायर और x-2 का स्क्वायर, डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल एंट्रीज को एक बार मतलब करेक्टरिस्टिक 4 डिग्री का होगा और इस तरह से हम पुट करेंगे और डायगनल का डायरेक्ट लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है।
थैंक यू।